नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं 10 डी न्यूज। मधुबनी हत्याकांड में आज परिजन गया पहुंचे और फागु नदी शहर के ओर पर, फागु नदी के पश्चिमी छोर पर उनका पिंडदान किया। उनके परिवारों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर परिजनों गया पहुंचे और फागु नदी के पश्चिमी छोर स्थित देवाघाट पर मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। वहीं ब्राह्मण द्वारा धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान किया। प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान देवाघाट पर एक अजीबो सा माहौल देखने को मिला। ब्राह्मण लगातार पिंडदान कर्मठदान कर रहे थे और मृतक के परिजन चित्कार कर रहे थे। महिला विलाप कर रही थी। एक तरफ पिंडदान की प्रक्रिया पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हो रही थी, वहीं दूसरे तरफ परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। पिंडदान करने आए अन्य लोग भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। इस दौरान मृतक के पुत्र हर्ष सिंह ने बताया कि उनके पिता की हत्या गोली मारकर कर दी गई। अन्य लोग भी उस मौत के घाट उतार दिए गए। पूरा परिवार दुखी है। समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें। पिता की आत्मा की शांति के लिए हम लोग पिंडदान करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि घटना में शामिल दोषियों को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे और कड़ी कार्रवाई कर सजा दिलाई जाए। टोटल कितने लोगों की हत्या हुई थी? टोटल 6 लोग। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ अंकल का पिंडदान। अच्छा, जिस समय हत्या हुई थी आप लोग कहाँ थे? किसी गिरफ्तारी वगैरह हुआ या नहीं हुआ? तो बोल तो रहा है 5 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, पर सच क्या है कौन जानता है, पुलिस को दिखाया गया। अब सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि एनकाउंटर हो और क्या सजा मिलनी चाहिए, किया जाए उन लोग का। सजा क्या चाहते हैं उन लोग को जो इस तरह काउंटर चाहते हैं? और उसके कुछ दोस्त आए थे, मतलब वहाँ पे 5-6 आदमी आए हैं। तो वहाँ पे जितने भी आदमी आए थे तो नाम, तो वहाँ पे नेचाचा से पलाग मांगा, मतलब गुटका मांगा, गुटका मांगा गया तो नेचाचा ने दिया। उसके बाद बोला कि पैसा दे दी, नेचाचा ने उसने बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, यहाँ से कुछ करके जाऊँगा। उसको बोला क्या क्या कर दिएगा। उसके बाद बोला 5 मिनट रुको, उनको हम बताते हैं। उसके बाद वो आदमी सबको बोला लगभग से 40 या फिर 50 के आस पास, 40 ज्यादा समझ लीजिए। क्या हथियार के साथ बताएंगे? हथियार, हाँ। तो कितने लोगों की हत्या किया गया था? 6 आदमी का। 6 आदमी अभी कंडीशन हालत, मतलब बहुत खराब हालत में, और 5 आदमी का। आज आप किनका किनका पिंडदान करने के लिए आया? यहाँ पे वीरेंद्र कुमार सिंह मेरे पिताजी, और एक है अरविंद सिंह जो मेरे चाचा है, छोटे चाचा, और है रणविजय सिंह जो वो है मेरे मतलब चाचा, वो भी चाचा है, और एक है राणा प्रताप सिंह। इस तरह क्या चाहिए राणा प्रताप सिंह? सरकार से क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। कैसा न्याय? सबका एनकाउंटर होना चाहिए और हम सबको सरकारी नौकरी चाहिए। साथ है यहाँ किस लिए आए? देखिए, सबसे पहले इनका जो हत्या हुआ है और नरसंहार में जो है ये लोग को मार दिया गया है, तो पूरे जो है भारतवर्ष में इसके बारे में जो सब कुछ देख रहे हैं, उसी के काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं गया में, और उन लोग को जो है सो मुक्ति के लिए यहाँ पर जो है सो उनका कर्म हो रहा है। किनके किनके लिए मतलब यहाँ पर श्राद्ध कर्म हो रहा है? तो देखिए, नाम बता दीजिए। इसमें जो है रणविजय सिंह है, वीरेंद्र सिंह है, और अरविंद जी है। किनके किनके हत्या हुई थी वहाँ? जो है हत्या जो है 3 व्यक्ति का, वहाँ माने 5 जो है नरसंहार हुआ है, जिसमें हम लोग 4 आदमी का यहाँ करवाने के लिए आए हैं, और 1 आदमी का जो है उसका कल होगा। कैसे घटना हुई थी यहाँ? जो है एक पान की दुकान था जहाँ गुटखा वगैरह सब मिल रहा था, वहाँ जो है ये लोग पहुँचे, और ये लोग जो है मछली का 2-4, 10-15 ऐसे करके पोखरा लिए हुए थे। उसमें जाकर के परवीन झा नाम का था उसका गेंग सब, वो सब वहाँ जो है सो मछली मारने बार बार जाता था उसको मारने के लिए। वो लोग बोलते थे जिसको काहे मार रहे हैं, हम लोग इसमें पूंजी लगा करके किए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता था। बार बार जो है जाकर के उस मछली उसमें मार लेता था। ऐसे रुद्र नारायण जो महंत जी हैं, वो जो है सो वहाँ दुकान खोले हुए थे,
और वहाँ पर खोलने के बाद जो है जैसे ही उनको कहा जो हमको शिखर पड़ा कि सब गुटखा दीजिए और ऊपर करो बोलो, तो जैसे ही वहाँ पर बोला जो कि पैसा दीजिए, तो बोला जो नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हम कुछ करके जाएंगे, समझिए। और लगातार जो है 5 मिनट के अंदर में किसी का 10 गोली 8 गोली ऐसे करके जो है सो उनको मार दिया। इतना ही नहीं, उसको कत्ता और तलवार से कुखरी जो होता है उससे उनको हत्या कर दी। आज किनका पिंडदान? हम यहाँ जो है 4 भाई का जो है सो आए हुए हैं, जो मेराना जो जी जो थे सो फौजी में थे, वो होली के दरमियान आए हुए थे। दूसरा जो है वीरेंद्र जी हैं, उनके करवाने के लिए आए हैं। अमरेंद्र जी हैं, उनके करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं आपके गांव में, तो क्या जो आप लोग का डिमांड है वो तो मतलब नज़र आ रहा है कि आप लोग का पूरा होगा? देखिए, जो सबसे पहले जो है सो हम लोग को सरकार नहीं, अगर उसमें इस तरीका से रहता और देख ही रहे हैं सारा कुछ सब, उसमें हम लोग कहने से बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए कि हम लोग को आज जो है 12 रोज है और हम लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं हो रहा है। ये जो हमारे बेनीपट्टी में दुर्भाग्यवश जो घटना हुई है, एक क्षत्रिय परिवार का सामूहिक जनसंहार हुआ है, तो हमारे राणा साहब के सौजन्य से और इनके बैनर के तत्वाधान में मृतक परिवारों का यहाँ पर आत्मा के शांति के लिए, गया जी में मोक्ष के लिए उनका ये क्रियाकांड किया जा रहा है। 12वां का कार्य सम्पन्न हुआ। बहुत दुख की बेला है, बहुत हम लोग ऐसे रोज ही इस कार्य को करवाते हैं, पर ऐसी हृदय विदारक घटना जब होती है तो हम लोगों को भी हृदय में बड़ी दुख की बात है कि इस तरह के कार्य भी हम करवाने लगे हैं, तो बहुत दुखद स्थिति है। बिहार सरकार से हम सब ऐसी मांग करते हैं कि मृतक परिवार को सबको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ रुपये और इनके जान की सुरक्षा के लिए, उनकी जान की सलामती के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। वैसे घटना बहुत दुखद है, आगे से न हो और मृतक आत्मा की शांति मिले इनके परिवार की तरफ से। अपने परिचय बता दें। मैं श्याम, यह विषय पत्र।